जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों 30 मई को वट सावित्री का जो व्रत है वो बहुत सारी माताएं बहनें करेंगी। बहुत सारी माताएं बहनें उत्सुक हैं इस व्रत को करने के लिए, लेकिन बहुत सारी माताओं बहनों को गलती से ही कोई जानकारी जो है वो नहीं पता होती है और वो इतनी भयानक गलती जो है वो कर देती हैं। इसकी वजह से कभी कभी उन्हें बहुत ही लंबा परिणाम जो है वो भुगतना पड़ सकता है। कुछ जो गलतियां हैं वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये जो गलती है ये आपको कभी भी नहीं दोहरानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपने व्रत तो रखा है अपनी पति की लंबी आयु के लिए, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण आप अपने पति की आयु कहीं ना कहीं कम कर रही हैं, कहीं ना कहीं घटा रही हैं, कहीं ना कहीं अपने पति की जो हानि के जिम्मेदार हैं वो स्वयं हो रही हैं। कौन से कार्य जो हैं वो नहीं करने चाहिए, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं हैं, श्रृंगार की जो भी चीज़ें हैं, जैसे किसी के यहाँ कांच की चूड़ियाँ या किसी के यहाँ लाख की चूड़ियाँ जो भी चलती हैं, वो चूड़ियाँ आपको पहनना चाहिए। आजकल के ज़माने में मैंने देखा है बहुत सारी माताएं बहने हैं कि जो चूड़ा होता है, मान लीजिए वो शादी का चूड़ा होता है, लेकिन जब भी शादी में चूड़ा पहना जाता है तो उसके साथ कांच की जो चूड़ियां हैं वो ज़रूर पहनी जाती हैं, भले ही आप एक दो चूड़ियां पहनी जाती हैं। अभी इस टाइम मैंने बहुत सारी माताओं बहनों को देखा है कि जो चूड़ा है, शादी का चूड़ा वो पहनती हैं तो उसके साथ एक भी चूड़ियाँ जो हैं वो नहीं पहनती हैं। तो आप गलती से भी ये जो कार्य है वो ना करें। अगर आप चूड़ा पहन रही हैं तो उनके साथ अगर आपके यहाँ लाख की चूड़ियाँ चलती या आपके यहाँ कांच की चूड़ियाँ चलती हैं वो जरूर पहनिए। आप खाली हाथ जो है वो ऐसे ना छोड़िए। आपकी शादी में जो भी चूड़ियाँ पहनाई गई थी अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कांच की जो चूड़ियाँ हैं, जो लाख की चूड़ियाँ हैं, वो उनके साथ ज़रूर पहने। आप ऐसा ना करें कि नहीं प्लास्टिक का जो चूड़ा है वो आपने पहन लिया है। तो प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा अपशगुन माना जाता है, लेकिन उस अपशगुन को मिटाने के लिए अगर आपके यहाँ लाख की या कांच की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, अगर आप उनको मिक्स करके पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। दूसरा है कि बाल और नाखून जो है वो इस दिन नहीं काटने चाहिए। बहुत सारी माताएं बहनें हैं पार्लर वगैरह से तैयार होके आती हैं तो वो बाल वगैरह जो है वो कट करवा देती हैं, अपना हेयर स्टाइल जो है वो बहुत अच्छे से बनवा के और इस व्रत की जो पूजा है वो करने आती हैं। तो आप गलती से भी इस दिन अपने बाल और जो नाखून हैं वो कभी भी ना कटवाएं। इसके बाद है कि खाली, जैसे बहुत सारी माताएं बहनें हैं फेरा लगाती हैं, तो फेरा लगाते समय क्या करती हैं, जो रील होती है, जो कच्ची अड़िया धागा सूत जो भी आप बोलते हैं वो लेती हैं, उससे फेरा लगाती हैं। और फेरा लगाते लगाते वो क्या करती हैं, जैसे फेरा लगाते समय उनकी जो अड़िया है, जो उनका धागा है, वो मान लीजिए उन्होंने 5 फेरे लगाए हैं, वहीं पे उनका जो धागा है वो ख़त्म हो गया है, तो वहीं कहीं पे एक जगह पे वो लपेट देती हैं, पैर छू लेती हैं, जय हो भगवान जी, इतना ही था तो लपेट दिया और बस अब आप जानो, आपका काम जाने। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप पहले से ही 2 से 3 अड़िया लेके जाइए ना, आपको पूरे फेरे लगाने चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी माताओं बहनों को मैंने अपनी खुद से अपने नेत्रों से देखा है, बहुत सारी माताएं बहनें हैं ऐसा करती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके, मान लीजिए आपने सोचा है कि जो आप सूत कच्ची अड़िया धागा जो भी लेके जा रहे हैं वो आप अगर 3 या 5 7 जो भी फेरे लग रहे हैं उसके बाद 2 रखिए, क्योंकि अगर आधे लग रहे हैं तो आधे के लिए और रखिए, पहले से ही लगा के जाइए, बच के आ जाती है अच्छी बात है, घटना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्य है घट जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है, वो शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको पहले से सारे इंतजाम जो है वो करके जाने चाहिए। बीच में ही आप जय हो भगवान जी की बीच में ना करें, मतलब बीच में ही धागा जो है वो छोड़ के ना आवे। इसके बाद है कि बहुत सारी माताएं बहनें हैं जब फेरे लगाती हैं वट सावित्री व्रत में तो क्या करती हैं कि कोछा जो होता है, साड़ी का पल्लू जो जिसमें कुछ सामान रख के फेरे लगाए जाते हैं, बहुत सारी माताएं बहनें हैं मतलब धागा पकड़ेंगी बस फेरे लगाती चली जाएंगी, कोछा जो है वो खाली रखती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको अपने साड़ी के पल्लू में कुछ ना कुछ रखना ही चाहिए, भले ही आप, जैसे बहुत सारी माताएं बहनें हैं 2 खरबूजा चढ़ाती हैं, एक अपने पल्लू में रखती हैं और एक जो वट वृक्ष के नीचे है वो चढ़ा देती हैं और वो खरबूजा से ही फेरे जो हैं वो लगाती हैं, मतलब अपने कोछे में खरबूजा डाल लेती हैं, उसके बाद जो फेरे हैं वो लगा देती हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनसे, क्योंकि खरबूजा का जो फल होता है वो बड़ा होता है, तो बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे वो फेरे नहीं लगा सकती हैं, तो ऐसी माताएं बहनें
आप मीठा कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए कि आपने थोड़े से पल्लू में चने रख लिए, फूल रख लिए हैं, चाहे तो थोड़ी सी मिठाई रख लीजिए या आप कोई ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, लेकिन जो आपका कोछा है, जो साड़ी का पल्लू है, उसको खाली नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी माताएं मैंने हैं जो पल्लू में रख के फेरे जो हैं वो लगाती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ से जोड़े से फेरे लगाए जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती हैं, एक साथ सारी चीज़ें जो है वो चढ़ा देती हैं, उसके बाद खाली धागा लेके फेरे लगाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कोछा में कुछ ना कुछ रखना चाहिए, उसके बाद ही फेरे लगाने चाहिए। खाली कोछा होता है उसमें अगर आप फेरे लगाते हैं तो ये मानिए कि जो माता लक्ष्मी हैं वो आपसे रूठ जाती हैं और आपके घर में समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप छोटी छोटी जो गलती हैं उनको कभी भी ना दोहराएं, छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो उनको सुधारें और जो व्रत है वो पूरी विधि विधान से, पूरे नियम से कीजिए अगर आप कर रही हैं तो। नहीं तो अगर आपसे नियम जो है, विधि विधान जो है वो नहीं हो पा रहे हैं तो कृपया करके आप ये सारे जो चीज़ें हैं वो ना करें, अगर कर रही हैं तो आप बहुत ही विधि विधान से कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो बिल्कुल दूंगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी।